अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिर्ज़ा ज़ुहैर बेग एंड यू आर वाचिंग माई चैनल। आज हम 2018 का पेपर जो है जूलॉजी, बीएस जूलॉजी का इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, कोर्स कोड है जूलॉजी 101, इसको डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के इस पेपर में आई थी। सो द फर्स्ट वन इज़ द स्कॉर्पियंस बिलोंग्स टू द क्लास। इनमें से कुछ क्लासेस हैं, कौन सी क्लास है जिस प्लेस से स्कॉर्पियंस बिलोंग करते हैं? अरेक्निडा, मिरोस्टोमेटा, पिक्नोगोनिडा और रेमिपीडिया। सो द राइट आंसर इज़ अरेक्निडा। अरेक्निडा जो है जिसे स्पाइडर भी बिलोंग करते हैं, वो उससे स्कॉर्पियंस भी बिलोंग करते हैं। द सेकेंड वन, द मेम्बर ऑफ फाइलम टीनोफोरा आर कॉल्ड एज। फाइलम टीनोफोरा के मेम्बर्स को कॉम्ब जो है वो जेलीज भी बोलते हैं और वो सी वॉलट्स भी कहलाते हैं। सो इसका राइट आंसर है एमसीक्यू नंबर टू का ऑप्शन डी, सी वॉल। नेक्स्ट वन है द टोटल बॉडी सेगमेंट्स ऑफ लीच आर। लीच के टोटल बॉडी सेगमेंट्स हैं वो 32 हैं, 33 हैं, 34 हैं, 36 हैं। तो राइट आंसर है 34। सो 34 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू नंबर थ्री। नेक्स्ट वन है जी, कैरियोटाइपिंग आर रूटीनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कैरियोटाइपिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वाइट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी कैरियोटाइपिंग मोस्टली की जाती है और उसी से कैरियोटाइपिंग की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द ओलिगोसाइट्स आर मोस्टली। इनमें से जो है मोस्टली ओलिगोसाइट्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन के वाले से, अपनी फीडिंग के वाले से क्या है? इसका राइट आंसर है स्क्वेंजर्स, बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो द नेक्स्ट वन इज़ द रेशियो ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टू रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 1:600 के करीब जो है वो रेशो है। तो ये ऑप्शन बी है वो इसके लिए राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर सेवन, स्पॉन्जेस आर मोस्टली। स्पॉन्जेस जो हैं वो मोस्टली मोनोशियस हैं और एक ही बॉडी पर दोनों जो हैं वो सेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हम हर्मेफ्रोडाइट भी इसको बोलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो बुक की है वो मोनोशियस है। सो राइट आंसर मोनोशियस कहलाएगा। नेक्स्ट वन है जी, हमारे पास एज मैनी एज 800 मिलियन पीपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मे बी इन्फेक्टेड विद एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस से, निकेक्टर अमेरिकेनस से, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड से या ट्राइचिनेला स्पाइरलिस से। सो द राइट ऑप्शन इज द एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड। नेक्स्ट वन इज द मेंडल टेस्टेड करेक्टर्स बाई क्रॉसिंग अ वेराइटी कैरिंग अ पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ करेक्टर वर। मेंडल ने जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें जो पी प्लांट के ऊपर जो ट्रेड्स स्टडी किए गए थे वो टोटल 5, 7, 6 या 8। इनमें से राइट आंसर है 7 ट्रेड्स थे। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द श्रिम्प्स बिलोंग्स टू फाइलम। श्रिम्प्स इनमें से किस फाइलम से बिलोंग करती हैं? श्रिम्प्स प्लेटियल मंथीज में, फ्लैट वर्म्स है बिल्कुल भी नहीं। मोलस्का जो है वो सॉफ्ट बॉडीड है, स्नेल्स वगैरह बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं है। एनिडा में जो है वो एनुलाई सेगमेंट होते हैं और जिसमें लीच वगैरह रहती है, नेरीज है। सो आर्थ्रोपोडा राइट आंसर बनता है, कि आर्थ्रोपोडा ही राइट आंसर है। दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो एमसीक्यू नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो दिस इज टोल्ड अबाउट द पेपर ऑफ बायोलॉजी।